नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया लालगंज भीषण ठंड और गलन के बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती मनाई गई। रामनाथ पाठक इंटरमीडिएट कॉलेज मुरार पट्टी के संस्थापक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामनाथ पाठक की 120वीं जयंती मनाई गई, जिसमें क्षेत्र के अनेक विद्यालय व प्रधानाचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जयंती का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात स्वर्गीय रामनाथ पाठक के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद क्षेत्र के अनेक लोगों द्वारा स्वर्गीय रामनाथ पाठक की प्रतिमा पर मालार्पण किया गया। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बदिया। और सभी उपस्थित विशिष्ट नागरिकगण, देवी सज्जन पाठक जी गोबा जैसे क्रांतिकारी के भूमि के विधायक रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है जो मेरे पिताजी के मित्र थे, और मैं उस कारण से भी अपने पितृ धर्म का निर्वाह करने उनके रहता हूँ तो जरूर उनके जयंती पर आता है। मैं उन्हीं के नाम से ये विद्यालय बना है और इसी विद्यालय में मैं हाई स्कूल की परीक्षा भी दी, इसलिए पाठक जी के स्मृति के दिन उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने पहले आयोजक बंधुओं से निवेदन किया कि दूसरे कार्यक्रम से मैं लौट कर आता हूँ, लेकिन इन लोगों का आदेश रखने यदि आते हैं तो ज्यादा के लोगों का आदेश मानना होता है, इसलिए मैंने दादी से भी सोचा। और आज मैं उनके स्मृति दिवस को प्रणाम करते हुए यही सभी आयोजक बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि उनके स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम होते रहे, उनकी स्मृति में जो कोई भी देश करना होगा आपको मुझे आगे मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी जगह सुनिश्चित करें पाठक जी के स्मृति में सभागार बन जाए कि और कार्यक्रम आगे कार्यक्रम जो हो